हेलो एवरीवन, वेल यूके इज बैक इन द गेम। यूथ मोबिलिटी स्कीम जिसकी बातें हो रही थी पिछले एक साल से, अब आएगा, कब आएगा। कोई भी मीटिंग होती थी दोनों गवर्नमेंट्स की, हमारे कंसल्टेंट्स के अपॉर्चुनिटी बन जाती थी शायद शाम तक को गुड न्यूज़ आ जाए। वेल टुडे इज़ द डे जब वो गुड न्यूज़ मिली। गुड न्यूज़ बड़ी सिंपल है, यूथ मोबिलिटी स्कीम इंडिया के लिए बैलेट अनाउंस हो चुका है। 28 फरवरी दोपहर को 2:30 बजे से लेके 2 मार्च 2:30 बजे तक बैलेट इज ओपन फॉर ऑल इंडियन नेशनल्स जो 18 से 30 साल तक की उम्र के हैं, कम से कम बैचलर डिग्री उनके पास है, खाते में 2.75 लाख रुपया या 3 लाख रुपया शो कर सकते हैं जिस दिन एप्लीकेशन लगाना है। आप इस सिस्टम का, आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। 2000 से ज्यादा ड्रॉ जो पहले बैलेट में निकलने की संभावना है इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, जब भी आप अप्लाई करेंगे, ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एप्लीकेंट्स के लिए, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप डिग्री करके काम ढूंढ रहे हैं, अभी काम नहीं मिला है, स्टिल यू कैन अप्लाई अंडर दिस बैलेट। उसका पूरी डिटेल जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप 4 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको नोट कीजिए। उम्र 18 से 30 साल, क्या आप 2500 पाउंड दैट इज तकरीबन 2.75 से 3 लाख रुपया शो कर सकते हैं अपने ही अकाउंट के अंदर सिर्फ 28 दिन पुराने। थर्ड स्टेप, आपकी इंश्योरेंस जो 940 पाउंड तक का आपका एक्सपेंस आएगा 2 साल के वीजा के लिए, क्या आप कर सकते हैं। एम्बेसी फीस 259 पाउंड आपको तब देनी है जब आपका इनविटेशन आ जाएगा, जब आपकी प्रोफाइल का सिलेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। स्टेप वन, 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दीजिए यूके गवर्नमेंट को दैट आप वहां YMS के अंडर आना चाहते हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको ईमेल आ जाता है सिलेक्शन का, उसके 30 दिन के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में देनी है विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस। मेडिकल कराएंगे जिसमें टीबी उनका मेन कंसर्न रहता है, अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे, आप PCC भी करवा के देंगे अपने पासपोर्ट ऑफिस से ताकि वो प्रोफाइल आपकी असेस होनी शुरू हो जाए। जब आप लॉन्च करेंगे 259 पाउंड के साथ अपनी एप्लीकेशन, 940 पाउंड सरचार्ज उसी टाइम देंगे। 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन का आउटकम आपको मिल जाएगा। आप इसमें प्रायोरिटी सर्विस भी ले सकते हैं, सुपर प्रायोरिटी सर्विस भी ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट ए गारंटी कि आपका एप्लीकेशन उसी प्रिस्क्राइब टाइम में प्रोसेस होगा। अगर उनको जरूरत फील होती है आपके इंटरव्यू लेने की, या आपका ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन जो फर्दर वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी का जो टाइम लिमिट है वो क्रॉस हो जाता है। नॉर्मली ऐसे केसेस में आपको ईमेल आ जाता है दैट वी आर सॉरी दैट वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन इन द गिवन टाइम, वी सीक फॉर ए नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो बड़ा एक छोटा सा टिप, ये अपॉर्चुनिटी है, इसका अब्यूज करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। अब्यूज बड़ा सिंपल है, अगर आप कोई भी गलत एप्लीकेशन देंगे, आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे और फेक डॉक्यूमेंटेशन देंगे, दैट विल डेफिनेटली कम एंड अट्रैक्ट अ बैन जो आपकी प्रोफाइल को ओवरऑल आज नहीं कल ब्लैक स्पॉट लगाएगा। बड़ा सिंपल सा एक मैसेज हर उस एस्पिरेंट को देता हूं जो बाहर जाने की बात सोचता है। 18 से लेकर 30 साल तक यूथ मोबिलिटी स्कीम, यूथ वर्ड जो है, अगर यही यूथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत गलत मैसेज, गलत कागजों से या गलत इंफॉर्मेशन से करेगा, तो वो 30 साल के बाद इंफॉर्मेशन वापस हॉन्ट करती है। ना आप इधर के रहते हो, ना आप उधर के रहते हो। वेल, यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सके, अभी कॉल करें 904199049, हमारे ESS ग्लोबल के सिलेक्टिव ऑफिसेज में अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं और डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट लें ताकि आप अगले 15 दिनों में वो सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके रेडी रहिए उस अपॉर्चुनिटी की वेट के लिए। जैसे ही वो मेल आएगा, साथ ही आपका एप्लीकेशन UKVI में सबमिट हो जाएगा। All the best to all the people who want to go for YMS to UK in the next month. All the best.